हेलो एवरीबॉडी स्वागत है आप लोग का एग्जाम कार्ड लाइव पर आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले मैथ का नंबर नाइन अगर आप लोगों ने पिछले अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है ठीक है आउट ऑफ आज के टेस्ट में तो आप आप लोग का कितना स्कोर रहा है, आप को बताना है ठीक है अब देखो अगर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन की तो सिंपली हम लोग को पूछा गया है क्वेश्चन में एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होगा ठीक है जब हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों का ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की तो ये किसके बराबर होता है आप लोग का एन ए यूनियन बी नॉट के बराबर ठीक है? इसको हम लोग करते हैं से, समझ आया कि नहीं? मतलब बी वाले जो elements है, वो नहीं होने चाहिए तो माइनस कर देते हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कोई दिक्कत तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले को तो क्या आएगा आप लोगों का एन यू माइनस एन ब्रैकेट में आप लोग का इधर आप लोग एन बी इधर क्या आ जाएगा माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल कोई दिक्कत अब अगर हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल एलिमेंट कितने दे रखे हैं हैं टोटल नंबर ऑफ कितने दे रखे आप लोग हंड्रेड माइनस आप लोग का ए में कितने एलिमेंट है दो सौ बी में कितने एलिमेंट है आप लोग तीन सौ और अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो कितने एलिमेंट है आप लोग हंड्रेड कोई दिक्कत तो ये क्या आ जाएगा आप लोग का सेवन हंड्रेड माइनस अब 200 हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड के इक्वल माइनस हंड्रेड करोगे तो क्या आगे आप लोगों का फोर हंड्रेड के इक्वल ठीक है अब सात सौ चार सौ को घटाओगे तो कितना बचेगा आप लोगों का तीन सौ के इक्वल ठीक है तो आंसर क्या होने वाला है आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इधर ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स बुक्स के बारे में ठीक है तो ये पहली जो प्रैक्टिस बुक है वो आप लोग की एक्स ग्रुप के लिए ये सेकंड वाली प्रैक्टिस सेट जो बुक है आप लोग की वो वाई ग्रुप के लिए और अगर थर्ड बुक की बात करते हैं ये आप लोग की जो है वाई ग्रुप के लिए ये आप लोग की गाइड है ठीक है अब गाइड आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली क्या है इसमें कि जो आप लोगों के इंग्लिश के सारे टॉपिक है और रागा के सारे टॉपिक है वो डीपली आप लोग इसमें एक्सप्लेन किए गए अब इसको कहां से खरीद सकते हो आप लोग डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एग्जाम कार्ड डॉट इन से आप लोग बाई कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो ये जो प्रैक्टिस बुक है आप लोग की ठीक है इसमें जो प्रैक्टिस आप को मिलने वाले हैं वो आप लोग ऑनलाइन भी लगा सकते हो कहां पर लगा सकते हो आप लोग डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एग्जाम कार्ड डॉट इन पर ठीक है या तो आप लोग बुक बाय कर सकते हो या फिर आप लोग ऑनलाइन लगा सकते हो मुक टेस्ट जो आप लोग बाई ग्रुप वाले मुक टेस्ट है ठीक है वो आप लोगों केवल हिंदी मीडियम में मिलेंगे वहीं अगर हम लोग एक्स ग्रोप वाले स्टूडेंट की बात करते हैं तो एक्स एक्सप के जो बुक टेस्ट हैं वो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं ठीक है अब बढ़ते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रखा है पूछा गया है वाला है तो क्या टू प्लस फाइव आई डिवाइड में हम लोग फोर माइनस थ्री आई दे रखा है अब कंजुगेट निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे जो आई वाला इमेजिनरी पार्ट है ठीक तो है तो आई का इधर आप लोगों को माइनस थ्री आई दे रखा है तो क्या करेंगे हम लोग प्लस थ्री आई से ऊपर नीचे कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया फोर प्लस थ्री आई डिड में आप लोग प्लस थ्री आई कोई दिक्कत अब टू का मल्टीप्लाई करोगे प्लस थ्री आई में तो क्या का आप, 8 के और आप लोग का ठीक है फाइव आई का मल्टीप्लाई करोगे किस तरह आप लोग थ्री आई में तो कितना आ जाएगा आप लोग का प्लस के पंद्रह आई इक्वल और आई स्क्र किसके बराबर होता है माइनस वन के बराबर इधर क्या आ जाएगा आप लोग का माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर थ्री आई का स्क्वायर कोई दिक्कत देखो क्या हो जाएगा इधर आप लोग का ये सिक्स और ट्वेंटी आई किसकेट और इधर क्या आ जाएगा आप लोग आई होता है आप लोग फोर का स्क्वायर करोगे सिक्सटीन हो जाएगा इधर आप लोग जो है थ्री आई का स्क्वायर करोगे तो कितना होने वाला आप लोग का नाइन आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का पॉजिटिव के नाइन कोई दिक्कत तो क्या आ गया आप लोग का ट्वेंटी सिक्स आई और इधर आप लोग का आ जाएगा माइनस के अब पंद्रह में से आठ गए तो कितने बचे आप लोग और डिवाइड में आप लोग का पच्चीस के सेवन प्लस ट्वेंटी इक्वल ठीक है तो आंसर क्या होने वाला है हम लोग का सिंपली इधर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके चलिए अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की क्या दे रखा है पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इस इक्वेशन के ये रूट्स दे रखे हैं आप लोगों को और बताना है कौन सा ये आप लोग का रिलेशन सही होगा ठीक है तो एक्स स्क्स प्लस क्यूक्वल टू आप लोग जीरो करते हैं तो किसके बराबर आएगा सी अपॉन ए मतलब क्यू के इक्वल तो पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो तो क्यू कॉमन लोगे इधर आप लोग तो का पी माइनस वन इक्वल टू जीरो क्यू का वैल्यू क्या आ गया आप लोग का जीरो जब हम लोग क्यू का वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो ये में पुट करेंगे तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा इधर आप लोग का वो भी जीरो इधर से पी का वैल्यू क्या निकालते हैं ठीक है वन, तो इधर पुट करोगे पी का वैल्यू वन तो क्यू का वैल्यू कितना आने वाला है आप लोग का माइनस के टू आ जाएगा कोई दिक्कत तो अब आप लोग देख लो कौन सा ऑप्शन आप लोगों के पे न इधर आप लोग का क्यू का वैल्यू माइनस टू और पी का वैल्यू वन क्यू का वैल्यू माइनस टू पी का वैल्यू वन ये है हम लोग के पास

और ये क्या बन गया आप लोग का साइन टू एक्स के इक्वल अब इधर एक्स दे रखा है तो क्या आ जाएगा साइन टू एक्स इक्वल ठीक है तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को द रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज देयर ठीक है तो वो क्या होगा आप लोगों का तो हम लोगों ने क्या किया आप लोग का एन ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उसका रेसे का मीन निकाले और जो मीन निकला उसका भी हम लोगों ने रेसे कर दिया तो आंसर क्या होने वाला हम लोग का हार्मोनिक मीन के इक्वल ठीक है प्रॉपर्टी है डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो ठीक है इसमें कुछ सॉल्व नहीं कराना मेरे को चलो अब बात करते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की कंसीडर एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है विद द फर्स्ट टर्म ए फर्स्ट टर्म आप लोगों को ए दे दे रखा रखा है है कॉमन रेशियो आर और जो सम दे रखा है इफ इट्स सम इज 4 मतलब सम किसका दे रखा है आप लोगों का एक इनफाइनाइट सीरीज का तो इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है a अपॉन 1 r के इक्वल क्या आ जाएगा 4 4 uh, a अपॉन 1 r के इक्वल एंड क्या गिवन है हम लोगों को जो सेकंड टर्म है वो कितना दे रखा है आप लोगों को 3 4 के इक्वल तो आप लोग का ज्योमेट्रिक सीरीज का सेकंड टर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या आएगा ए आर इक्वल टू थ्री बायर मतलब आर तो तो का वैल्यू थ्री बायर ए के इक्वल इधर तक कोई दिक्कत आप लोगों को चलो सोल्व करें फिर ठीक है तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर ए इधर पहुंच जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर क्या आ गया आप लोग का फोर ए स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा फोर ए माइनस थ्री के इक्वल 4 से फोर उड़ गया आप लोग का तो फोर ए माइनस थ्री इक्वल टू ए स्क्वायर ठीक है ए माइनस फोर ए प्लस थ्री टू आ जाएगा आप लोग तो बनेंगे आप लोगे तो ए माइनस थ्री माइनस वन कॉमन लोगे तो ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इट मीनस ए की जो वैल्यू आ जाएगी वन और थ्री फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है आप लोग का वन और थ्री आ रहा है था। कोई अब हम से आर निकाल लेंगे। तो आर क्या थ्री बायर और अगर हम लोग बात के लो जो भी सिंपली लगा देंगे तो एक्वल टू वन के लिए हम लोग का आर क्या है थ्री बाय फोर तो इक्वल टू वन किसी में नहीं दे रखा टू थ्री के लिए आर आ रहा है वन फोर। तो दे रखा हम लोग डी ऑप्शन में तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हम लोग क्या बोला सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म पहले छह टर्मों का जो सम दे रखा है वो नाइन टाइम्स है द सम ऑफ़ इट्स थ्री टर्म उसके तीन टर्म के बराबर तो क्या होगा बताओ ठीक है जब हम लोग दे रखी आप लोगों ओके तो अगर हम लोग एस सिक्स की बात करते हैं तो क्या आएगा एस सिक्स ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल इधर क्या आ जाएगा नाइन और एस थ्री की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा आप लोग का की पावर एन या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 3 -1 upon R -1. कोई दिक्कत और इधर लिख देते हैं हम लोग ठीक है तो इधर आप लोग ए से ए कट गया आर माइनस वन से आर माइनस वन उठ गया क्या बचेगा आर की पावर सिक्स माइनस वन इक्वल टू नाइन आर क्यू माइनस वन के इक्वल इसको और कैसे लिख सकते हो कि आर क्यू का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू नाइन

चलिए भैया एट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग लेट ए इक्वल टू आप लोगों को दे रखा 1, 2, 3, 4 है एंड बोला गया लेट आर जो आप लोगों को रिलेशन दे रखा है के साथ ठीके? क्या है टू कोमा टू थ्री कॉमा थ्री फोर कॉमा फोर एंड वन कॉमा टू वी आर रिलेशन ऑन ए कोई दिक्कत तो बताओ आर कैसा होगा आप लोग का रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांसेटिव ठीक है जब हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं ठीक है तो क्या क्या बेना है आप लोगों को वन टू थ्री और फोर मतलब वन कॉमा वन और टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री ठीक है एंड फोर कॉमा फोर आप लोग के जो है रिलेशन बनना चाहिए था बट क्या क्या बेना है टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री फोर कॉमा फोर मतलब वन कॉमा वन गे नहीं है तो क्या हो गया ये आप लोग का रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला ठीक है अब जब सिमेट्री की हम लोग बात करते हैं सिमेट्री में क्या होगा आप लोग का अगर वन कॉमा टू दे रखा है आप लोग को ये बिलोंग कर रहा है आर को तो आप लोग का टू कॉमा वन भी बिलोंग करना चाहिए किसको आर को पर नहीं कर रहा है इसलिए आप लोग का भी नहीं हुआ तो आंसर क्या हो, हो बचालीटिव टू ठीक है या फिर हम लोग बोलते हैं वन कॉमा टू के बेना हम लोग को ठीक है ए कॉमा बी दे रखा हो और बी कॉमा सी दे रखा हो तो ए कॉमा सी बी होना चाहिए तो ए कॉमा बी इधर क्या हो जाएगा आप लोग का हम लोगों ने ले लिया वन कॉमा टू और बी कॉमन c क्या हो जाएगा आप लोगों का 2,2 तो 1,2 भी होना चाहिए तो जो कि गिवन है आप लोगों को तो कैसा हो गया आप लोगों का ये रिलेशन एक ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा ठीक है चलो बात करते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन की क्या गिवन है हम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर tan²x 2 tanx secx कोई दिक्कत और होल पावर कितना आ जाएगा आप लोगों का 1/2 dx के इक्वल गॉट इट अब अगर हम लोग बात करते हैं वन ठीक है तो आप लोगों को पता है कि सेक्स स्क्स इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है तो अगर मैं वन निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा आप लोग का सॉरी माइनस प्लस नहीं माइनस निकला है ना हम लोग का इधर क्या आ जाएगा टू टेन स्क्वायर एक्स इधर आप लोग का टू टेन एक्स सेक एक्स का होल पावर कितना हो जाएगा आप लोग का वन बाय टू के इक्वल अब देखो इधर आप लोग माइनस के टेन स्क्स प्लस के टू टेन स्क्र एक्स क्या बचेगा टेन x के तो क्या बन गया होल पावर वन बाय टू दे रखा है और इधर आप लोग का टू आ जाएगा टू से टू कट जाएगा बचा क्या आप सेक एक्स प्लस एक्स into dx. जब हम लोग का बात करते हैं तो सेक एक्स का आप लोगों का इंटेग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स ठीक है वहीं हम लोग टेन एक्स की बात करते हैं तो क्या होता है लॉग सेक एक्स के इक्वल तो इसको और क्या से लिख सकते हो आप लोग लॉग में सेक एक्स इधर आप लोग का सेक एक्स प्लस टेन एक्स कोई दिक्कत प्लस तो आंसर क्या होने वाला है आप लोग का देख लो भैया चेक करो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है ठीक है चलो चले पे क्या दे रखा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन वो सारी स्ट्रेट लाइन की मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है जो कि आप लोग का ओरिजन से पास कर रही है तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जब ओरिजन से पास करती है तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है वाई इक्वल टू एम एक्स के इक्वल एम क्या आप लोग का इधर स्लोप हो जाएगा कोई दिक्कत तो एम का वैल्यू किसके बराबर होता है आप लोग का डीवाई ओवर डीएक्स के बराबर ये तो आप लोगों ने आई होप पढ़ रखा होगा तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का डीवाई ओवर डीएक्स इन टू में एक्स के बराबर ठीक है यहां पर हम लोग बोल सकते हैं

होता है आप लोगों का नन ऑफ दिस आए ये पॉसिबल नहीं है कंडीशन में कि आप लोगों का दिस ना हो ठीक है चलो बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की क्या दे रखा है तो जब हम लोग ए कैप क्रॉस बी कैप की बात करते हैं तो ये किसके बराबर होगा आप लोग का ए कैप के बराबर ठीक है इधर क्या आ गया आप लोग का बी कैप और सी कैप क्रॉस बी एक क्रॉस सॉरी ए कैप की बात करते हैं हम लोग तो ये किसके बराबर होगा आप लोग बी कैप के बराबर प्लस सी कैप और हम लोग इसकी बात करते हैं कैप कैप क्रॉस की तो किसके बराबर आएगा सी कैप के बराबर तो ए कैप डॉट ए कैप किसके बराबर होता है वन के बराबर बी कैप डॉट बी कैप किसके बराबर होता है वन के बराबर सी कैप डॉट सी कैप किसके बराबर होता है वन के बराबर तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का थ्री के बराबर कोई दिक्कत तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है ठीक है

अब आप लोग को पता है सेवन माइनस वन का फैक्टोरियल मतलब हम लोग के बंदे बैठ गए जितने भी मैन थे अब वुमेन को बैठाना है तो इधर आप लोगों को सिंपल सी बात है सात पोजिशन और खाली है तो आप लोग वुमेन तो एक भी एक साथ नहीं आने वाले तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट वुमेन को बैठा सकते हैं सेवन फैक्टोरियल के साथ तो क्या आ गया सिक्स फैक्टोरियल इंटू सेवन फैक्टोरियल इक्वल तो आंसर क्या होने वाला है आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके चलिए बात करते हैं तेरह वाले क्वेश्चन की द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर दे रखे हैं लाइक एंड सो ऑन आर तक फैक्टोरियल से, से ठीक है तो आंसर क्या हो गया डिविजिबल होगा आप लोग चलिए बात करते फोर्टीन वाले क्वेश्चन की द इंटीजर इज चूजन एट रैंडम ठीक है एक इंटीजर को हम लोगों ने लिया फ्रॉम नंबर्स वन कॉमा टू कॉमा एंड सो ऑन ट्वेंटी फाइव तक अब बोला क्या गया है तो प्रोबेबिलिटी बताओ द चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री वो नंबर जो है या तो से डिवाइड किया जा सके या फिर चार से डिवाइड किया जा सके तो क्या पूछा है पी थ्री यूनियन फोर के बराबर तो क्या आएगा आप लोग पी थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ जो तीन से डिवाइड हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो चार से डिवाइड हो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो तीन और चार दोनों से डिवाइड हो कोई दिक्कत तो तीन से डिवाइड तो तो होने हो, 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 तो वाले, वाले बताओ चौबीस से पहले एक नंबर देखो जो परफेक्टली थ्री से डिवाइड हो रहा है ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई थ्री करोगे कितने टाइम्स कटेगा आप लोग आठ बार कटेगा तो कितनी प्रॉब्लिटी आ गई तीन से डिवाइड होने वाली आठ वाई टोटल कितने पच्चीस वहीं चार की बात करते हैं चार की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चौबीस चार से कितनी बार जाता है आप लोगों का छह टाइम्स जा रहा है ठीक है तो आप लोग जो चार से डिवाइड हो रहे हैं वो कितने हो जाएंगे नंबर आप लोग छह इंटीजर हो जाएंगे तो आंसर क्या आ गया सिक्स वाई ट्वेंटी फाइव पीपल अब कॉमन की जब हम लोग बात कर रहे हैं एलसीएम ले लो क्या आ जाएगा लेवल अब ट्वेल्थ से कितने डिवाइड होंगे डिवाइड ठीक है दो ही तो होंगे एक ट्वेल्व एक ट्वेंटी फोर तो आंसर क्या आगे आगे आप लोग का जो कॉमन वाले रहेंगे वो टू बाइया फोर्टीन के इक्वल तो और माइनस टू करोगे तो ट्वेल्व के इक्वल डिवाइड में ट्वेंटी हो गया कोई दिक्कत तो आंसर क्या आने वाला है आप लोग का इधर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है इसलिए हम लोगों ने माइनस कॉमन वाले भी करे हैं ठीक है चलिए अब बात करते हैं फिफ्टीन वाले क्वेश्चन की एक्सपेंशन आप लोगों को बताना है 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 बताना ठीक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो देखने को मिलने वाला है जिस भी सेफ्ट में आप लोग पेपर दोगे ठीक है लगभग हर सेफ्ट में आप लोगों को ये क्वेश्चन तो मिलने वाला है तो की पावर फोर पूछा आप लोगों को आर निकालना बताया कैसे निकालते हैं इस पावर का मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर में क्या आएगा आप लोग का टेन इंटू वन अब जिसका कॉपिस्टेंट निकालना है उसको माइनस कर दो तो एक्स के पावर फोर का निकालना है तो फोर को माइनस कर दो डिवाइड में क्या आएगा आप लोग इसका पावर माइनस तो का पावर ठीक है तो आंसर क्या टू तो के इक्वल तो आर का वैल्यू मेरे पास आ गया टू या फिर हम लोग बोले कौन सा टर्म होगा वो आप लोग का थर्ड टर्म होगा ठीक है जिसमें आप लोग का जो है पावर फोर का कॉपिस्टेंट आ रहा होगा ओके तो क्या आ गया आप लोग का सिंपली टेन सी आर या फिर हम लोग बोले एन सी आर ठीक है तो टेन सी टू के इक्वल एफ का पावर एन माइनस आर के इक्वल होता है तो क्या आ जाएगा वन वाई टू का पावर टेन माइनस टू के इक्वल मल्टीप्लाई में क्या आ गया आप लोगों का वाई तो का पावर आर के इक्वल तो माइनस थ्री का पावर कितना आ जाएगा आप लोग का टू के इक्वल ठीक है इसको सोल्व करो टेन इंटू नाइन डिवाइड इधर क्या आ गया आप लोग का वन बाई टू की पावर एट कोई दिक्कत और मैंने आप लोगों को बताया था कि टू की पावर नाइन कितना होता है आप पांच सौ बारह कितना हो जाएगा? आप और ट्वेल्व टाइम कटेगा टू फिफ्टी सिक्स तो वन अपॉन टू फिफ्टी सिक्स हो जाएगा और थ्री का स्क्वायर करोगे तो नाइन हो गया इसको डिवाइड करो फाइव टाइम्स कट गया अब नाइन नाइन एट्टी वन एट्टी वन का मल्टीप्लाई फाइव करोगे तो कितने टाइम्स हो गया आप लोगों का एट सॉरी वन मल्टीप्लाई बाय फाइव फाइव और एट मल्टीप्लाई बाय फाइव एट फोर्टी तो कितना आ गया आप लोग का आंसर इधर चार सौ पांच बट्टे दो सौ छप्पन है तो आंसर क्या होने वाला आप लोग का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब देखो इस सेम क्वेश्चन को आप लोग को थोड़ा सा इधर उधर करके दे दिया मतलब सेम ऑप्शन को लगभग चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है क्या बोला गया क्वेश्चन में लेट ओमेगा इक्वल टू माइनस वन बाय टू प्लस आई अंडर रूट थ्री बाय टू

ठीक है तो क्या आ गया आप लोग का ओमेगा आ जाएगा कोई दिक्कत ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं सी वन में सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री क्योंकि हम लोग को एक फायदा दिख रहा है वो फायदा मैं आप लोगों को अभी फटाफट बता देता हूँ तो कितना आ गया आप लोग का थ्री के इक्वल और वन माइनस वन जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो हो जाएगा आप लोग का और इधर अगर प्लस करोगे तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर आप लोग का जीरो के बराबर अब देखो कितनी सिंप्लीफाई होगी आप लोग की ये डिटर्मिनेंट ओके okay, अब हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग केवल किसकी बात करेंगे थ्री की क्योंकि ये तो जीरो जीरो है, जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे जीरो आएगा ठीक है तो जीरो का रो एंड कॉलम छुपाओगे रो एंड कॉलम दोनों को छुपा लो क्या आ जाएगा आप लोग का ओमेगा का मल्टीप्लाई करोगे माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर बट एक चीज देखो आप लोगों को पता है कि वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है आप लोग का जीरो के बराबर है तो अगर हम लोग इधर से ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस वन माइनस ओमेगा तो इसको ओमेगा भी तो लिख सकते हैं तो क्या आ गया आप लोग माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा पावर फोर के इक्वल तो क्या आ गया थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस अभी आप लोगों को बताया था ओमेगा पावर फोर को क्या लिख सकते हो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा ओमेगा क्यू बन के इक्वल होता है क्या बचे आप लोग का ओमेगा ओमेगा कॉमन ले लो तो थ्री ओमेगा और अंदर क्या बचेगा ओमेगा माइनस के मेरा जो आंसर होने वाला है वो सिंपली कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इधर पी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है ठीक है चलिए बात करते हैं फोर के एकवल, बोला गया था, वैल्यू ऑफ से टेन ए का हम को वैल्यू निकालना है ठीक है सेक ए प्लस टेन ए टेन ए को के टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो आप लोग बताओ फटाफट क्या आएगा आप लोग अंडर रूट में सेक स्क् ए माइनस वन के इक्वल कोई दिक्कत इधर तो इसको क्या लिखोगे आप, लो? लिख तो आप लोग क्योंकि क्या गया? X 1 4X के आ गया एक्स प्लस वन अपॉइन फोर एक्स प्लस इधर क्या आ जाएगा आप लोग स्क्वायर तो एक्स स्क् हो गया और वन प्लस फोर एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा वन अपॉन सिक्सटीन एक्स स्क् प्लस टू ए बी

तो क्या लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वन अपॉइन फोर एक्स इधर क्या आ जाएगा आप लोग का का अंडर रूट रूट में x होल स्क्वायर स्क्वायर ठीक है तो से हट जाएगा क्या बचेगा आप लोग का और इधर आ जाएगा आप लोग का एक्स माइनस वन अपॉइन फोर एक्स तो इधर आप लोग का प्लस के वन अपॉइन फोर तो एक्स इधर माइनस के वन अपॉइन फोर एक्स क्या बचेगा आप लोग का केवल टू एक्स बचने वाला है तो आंसर क्या होने वाला है आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इधर ठीक है चलिए बढ़ते हैं एटीन वाले क्वेश्चन पे वैल्यू पूछा गया टेन वन डिग्री इंटू टेन टू डिग्री इंटू टेन थ्री डिग्री ठीक है एंड सो ऑन टेन एटी नाइन डिग्री कोई दिक्कत इसको और कैसे लिख सकते हो आप लोग जैसे कि आप लोगों को टेन वन डिग्री दे रखा है और हम लोग जो है टेन एट्टी नाइन को क्या लिख सकते हैं फटाफट बताओ टेन नाइनटी माइनस वन डिग्री के इक्वल कोई दिक्कत क्योंकि 1 तो टेन एट्टी नाइन डिग्री आ जाएगा और टेन नाइन्टी माइनस थीटा किसके इक्वल होता है आप लोग का काट थीटा के इक्वल तो क्या आ जाएगा आप लोग का कॉट वन डिग्री सेम आप लोग का इधर जो है टेन टू डिग्री होगा और जो एट्टी एट होगा वो क्या आएगा आप लोग कॉट टू डिग्री के इक्वल ऐसे ही आप लोग आगे तक जाते रहेंगे अब बीच में क्या बनेगा आप लोग का टेन फोर्टी फाइव बचेगा केवल ठीक है बाकी सब आप लोग आपस में क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि आप लोग को पता है कि टेन वन डिग्री और कॉट वन डिग्री को क्या लिख सकते हैं डिग्री तो आप लोग का काट वन डिग्री से टेन वन डिग्री कट गया इधर टेन टू डिग्री से कॉट टू डिग्री ऐसे ही आगे हम लोग आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इधर आप लोग का टेन थ्री डिग्री से कॉट थ्री डिग्री कट जाएगा फिर फोर डिग्री से आप लोग का जो है डिग्री कट जाएगा एंड सो ऑन चलेंगे हम लोग सब कुछ कट जाएगा वन बचेगा और टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू क्या होता है आप 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 लोग 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 का का एक का वन केवल यही एक एक्स्ट्रा बच रहा होगा तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा ई e की पावर लॉग में बेस में आप लोग का टेन इधर क्या आ गया आप लोग का वन अब आप लोगों को पता है कि लॉग वन का वैल्यू क्या होता है आप लोग का जीरो के बराबर तो ई e का पावर कितना होगा जीरो और ई e का पावर जीरो होता है तो आंसर क्या आता है आप लोग का किसी के पावर जीरो इक्वल टू वन के बराबर ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का इधर नॉन ऑफ ऑफिस आंसर हो जाएगा देखो मैं ए बी सी में आंसर ढूंढ रहा था नहीं मिला इधर भी देखो आप लोग का नन ऑफ दीस है ठीक है तो बस यही याद रखना है कि नन ऑफ दीस भी आंसर हो सकता है चलिए क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है क्या बोला गया इन ट्रगल ए बी सी ए इक्वल टू सिक्सटीन इक्वल टू ट्वेंटी फोर बताना आप लोगों को तो जब हम लोग कॉस बीवाई टू की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल से फॉर्मूला लगाओ क्या होता है एस एस माइनस बी डिवाइड में आप लोग का जब हम लोग सेमी की बात करते हैं S equal to क्या आता है 16, plus के, 40, 60, 2 के, के कोई दिक्कत तो कर दो भैया होने वाला है एस का वैल्यू तीस ठीक है और एस माइनस बी करोगे मतलब 30 कितना करना है चौबीस किसके बराबर आ जाएगा आप लोग का के बराबर डिवाइड में क्या दे है A A दे रखा है सोलह और सी कितना दे रखा है आप लोगों को ट्वेंटी के बराबर कोई दिक्कत जीरो से जीरो उड़ गया इधर ठीक है इधर अगर हम लोग बात करते हैं टू से ये थ्री टाइम्स कट जाएगा ठीक है और इधर ऊपर बचेगा आप लोग का सिंपली नाइन और नीचे बचेगा आप लोग का सिक्सटीन तो आंसर क्या आने वाला है आप लोग का नाइन किसका स्क्वायर होता है थ्री का सिक्सटीन किसका होता है फोर का आंसर थ्री बाय फोर आप लोग का करेक्ट होने वाला है ठीक है चलिए बीस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू तो टेन एक्स माइनस एक्स रखा देखो तो इस टाइप के ठीक तो है तो कैसे निकाल पाओगे इसका क्या कर दोन तो तो क्या टेन एक्स का क्या आएगा आप लोग का वन तो सिंपली एक्स का वैल्यू निकालोगे तो सेट इक्वल टू क्या आप लोग और सिंपली अगर हम लोग बात करते हैं एक्स की तो वो क्या आ जाएगा आप लोग का जीरो के बराबर ठीक है कोई दिक्कत क्योंकि आप लोगों को पता है सेक में किसका वैल्यू जो है वन होता है सेक जीरो का ओके ना तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो के बराबर क्योंकि क्या है 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 इधर का एंगल है, ठीक है? तो जब हम लोग बात कर रहे हैं की तो इसमें पुट करो आप लोग फंक्शन में तो एफ जीरो अगर लगाता हूं तो क्या आएगा टेन जीरो माइनस के जीरो तो आंसर क्या आ गया आप लोग का जीरो अब आंसर जीरो आ गया आप लोग का तो इट मीन क्या हो गया आप लोग का ये जो फंक्शन है ऑलवेज एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ठीक है चलिए बात करते हैं इक्कीस वाले क्वेश्चन की क्या दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ है थेके? तो इसका डिफरेंशिएशन करो भैया एक्स स्क्स वन का क्या आता आप लोग का टू एक्स के इक्वल डी ओवर डी एक्स करोगे तो इट जो कि किसके इक्वल आएगा आप लोग का डीएक्स के बराबर तो क्या आ गया आप लोग का

चलिए चौबीस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं क्या दे रखा है जब हम लोग बात कर रहे हैं टू टेन इनवर्स एक्स की तो फॉर्मूला बताओ फटाफट क्या होता है आप लोग का लिख देता हूं आप लोग के लिए टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वल लगाओ फॉर्मूला क्या आ जाएगा टेन इनवर्स टू इन टू एक्स मतलब, मतलब प्लस इधर के आ गया टेन इनवर्स इधर आप लोग टू बाय थ्री ऊपर नीचे थ्री का मल्टीप्लाई कर दो सो डेट हम लोग सके नाइन माइनस वन क्या आप लोग का एट डिवाइड में नाइन नाइन से नाइन उड़ गया आप लोग का और टू से आप लोग टेन इनवर्स वन बाय टू के तो क्या आंसर आया आप लोग का टेन इनवर्स थ्री बायर प्लस टेन इनवर्स वन बाय टू अब इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का क्या होता है आप लोग का इनवर्स टू बाई फोर ठीक है सो डेट इधर एलसीएम हम एलसी को लेने की जरूरत ना पड़े ठीक है नीचे क्या वन माइनस ए बी का इक्वल मतलब थ्री बाय फोर इन टू वन बाय टू के कोई दिक्कत तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का टेन इनवर्स इन दोनों को प्लस करो फाइव बाय फोर हो गया इधर आप लोग का एट हो गया एट माइनस थ्री करोगे तो फाइव और डिवाइड में क्या हो जाएगा आप लोग का मल्टीप्लाई आप लोग तो एंगल नहीं आया आप लोग का अलग ही आंसर देखा आप लोग को तो आंसर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टू के बराबर चलिए तेईस वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं कॉट इनवर्स वर्स थ्री बाय फोर प्लस साइन इनवर्स फाइव बाई थ्री आप लोग को दे रखा है और पूछा आप लोगों का आंसर क्या होगा इसका ठीक है तो हम लोग को क्या पता है कि कॉट इनवर्स ए प्लस इनवर्स बी का एक फॉर्मूला हम लोग तो को याद है तो साइन को क्यों ना नाट में चेंज करने की कोशिश करें तो क्या आएगा कॉट इनवर्स साइन क्या होता है आप लोगों का पी अपॉन एच के इक्वल क्या होता है अपॉन के इक्वल तो पी तो हम लोग के पास है फाइव अब बी निकालोगे तो क्या आएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी के इक्वल का स्क्वायर मतलब तेरा का स्क्वायर वन सिक्स नाइन परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव

अब फोर से ट्वेल्व कितने टाइम्स कटेगा थ्री टाइम्स ठीक है तो क्या आ गया नाइन बाई फाइव आ गया और नाइन बाई फाइव को माइनस वन करोगे तो क्या आएगा नाइन माइनस फाइव जो कि आप लोग का आने वाला किसके बराबर फोर के बराबर नीचे क्या आ गया आप लोग दिक्कत अब इधर क्या करोगे एलसीएम ले आएगा ट्वेंटी अब ट्वेंटी से फोर को डिवाइड करोगाइव टाइम्स क्या थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन हो गया आप लोग का ठीक है और फाइव से डिवाइड का अड़तालीस के बराबर डिवाइड में क्या आ गया आप लोग का सिंपली ट्वेंटी के इक्वल तो क्या आने वाला है हम लोग का इनवर्स ठीक है इसको ऊपर ले जाओ इसको इधर ऊपर ले जाओ तो क्या आ गया ऊपर आप लोग का इंटू ट्वेंटी और नीचे आप लोग का ये प्लस करो तो कितना आ गया पंद्रह प्लस अड़तालीस करोगे तो तेरह कैरी एक इधर आप लोग का आ गया तिरसठ ठीक है फाइव से डिवाइड करो फोर तो टाइम्स ये हो जाएगा आप लोग का काट इनवर्स सोलह बट्टे तिरसठ का इक्वल कोई दिक्कत अब हम लोग को साइन इनवर्स निकालना है ये क्या होता है आप लोग का बी अपोन एच के इक्वल और साइन क्या होता है पी अपोन सॉरी बी अपन पी के इक्वल होता है ये और साइन क्या होता है पी अपोन एच के इक्वल तो पी क्या आ गया हम, हम लोग के पास और एच हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा तिरसठ का स्क्वायर माइनस सोलह का स्क्वायर क्योंकि किसके बराबर आ जाएगा सॉरी प्लस आएगा इधर ठीक है क्योंकि हम लोग एच निकालते हैं तो क्या आता है पी स्क्र प्लस बी स्क्र परपेन्डिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या आ गया आप लोग का सिंपली इधर इसको सॉल्व करोगे तो पैंसठ आ जाएगा में क्या आ गया पैंसठ अब आप लोगों को सॉल्व भी नहीं करना इसको निकालने की नहीं है ये की, अब ये तो, देखो, दे तो पहले की अगर हम लोग बात करते हैं साइन टेन इनवर्स ए माइनस बी अपन ए प्लस बी किसका होगा आप लोग का टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला हो गया और टेन इनवर्स बी माइनस सी अपन वन प्लस बी सी ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आप लोग का टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी का कोई दिक्कत अब माइनस के टेन इनवर्स बी और प्लस के टेन इनवर्स बी कट जाएगा क्या बचा आप लोग दिक्कत तो आंसर क्या होने वाला है हम लोग का सी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इधर अब आज की क्लास का लास्ट ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्या बोला गया इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एक डाइस को दो बार फेंका गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ फोर एटलीस्ट वंस मतलब जो फोर है वो एक बार आए तो फोर कब कब आ सकता है ठीक है आप लोग ने डाइस फेंके दो पहले पे वन आया दूसरे पे आप लोग का चार आ गया ठीक है या फिर पहले पे दो आया दूसरे पे चार आ गया ठीक है पहले पे तीन आया, आया दूसरे पे चार आ गया पहले पे चार आया दूसरे पे आप लोग का चार आ गया ठीक है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों का पहले पे कितना आया आप लोगों का पांच आया और दूसरे पे चार आ गया और पहले पे छह आया और दूसरे पे चार आ गया कोई दिक्कत अब ये सीरीज जो हजार वाली है वो इधर भी चलेगी क्योंकि आप लोग का पहले पे चार दूसरे पे एक पहले पे चार दूसरे पे दो पहले पर चार आ, तीसरे पे आप लोग का कितना आएगा सॉरी दूसरे पर कितना आएगा थ्री ठीक है पहले पे चार दूसरे पे भी चार पहले पे चार दूसरे पे पांच पहले पे चार दूसरे पे छह कितने हो गए आप लोग के एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह मतलब चार आने की प्रोबेबिलिटी मतलब एटलीस्ट चार आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितना होने वाला है आप लोग का ग्यारह बट्टे छत्तीस के बराबर कोई दिक्कत तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया ठीक है तो ये हम लोग के क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं आज के के टेस्ट आउट ऑफ आप लोग का कितना स्कोर रहा है ये कमेंट बॉक्स में बताओगे वीडियो अच्छा लगा है क्लास अच्छा लगा है क्लास को लाइक करो दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो एग्जाम कार्ड लाइव को डेली क्लासेस के लिए नाइन ए एम पर तो आप लोग का मैथ का मुक टेस्ट आता है ठीक है और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ट्वेल्व पी एम पर आप लोग का फिजिक्स का मुक टेस्ट आता है ठीक है अगर आप लोग बाई ग्रुप की भी साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो देन आप लोग क्या कर सकते हो करेंट अफेयर की क्लास देख सकते हो सिक्स एम पर जो कि सर के द्वारा ली जाती है अगर आप लोग को जो है पीडीएफ चाहिए तो वो आप लोग को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एग्जाम कार्ड लाइव के ठीक है बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मातरम